आज हम बनाएंगे अंडा पराठा, वो भी आटा को गूंदे बिना। हेलो दोस्तों, मैं रोमा। तो आज की मेरी रेसिपी उन बच्चों के लिए है जो बाहर रहते हैं रूम लेकर पढ़ने के लिए, जिनके पास टाइम नहीं होता खाना बनाने के लिए, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखें। अंडा पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले अंडे लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं, उन्हें तोड़कर अच्छी तरह एक बर्तन में पहले हम अच्छे से उसे फेंट लेंगे अंडे को। और अब हम उसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च बारीक कटे हुए, गाजर बारीक कटी हुई और हरा धनिया। सब्जियां आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको खाने में अच्छा लगता हो उस सब्जी को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को डालने से ये हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी कटोरी आटा, गेहूं का आटा, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ठीक है, तो इसमें हम पानी डालकर इसे हम पतला करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें पतली रखनी है। आप चाहें तो इसमें पानी की जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। और एक तवे को हम गर्म कर लेंगे अच्छे से, और उस पर रिफाइंड ऑयल डालेंगे और तेल को अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। और अब हम इस पे बैटर को डालेंगे जो हमने रेडी किया है। इस तरह डालकर इस तरह इसे फैला देना है। और अब हम इस पे रिफाइंड ऑयल डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। और अब हम इसे पलट देंगे, और इसे पलटने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अच्छे से इसे चारों तरफ से ऐसे दाब दाब कर इसे अच्छे से पका लेंगे। और अब हम इसे ऐसे बीच से कट कर लेंगे। आप चाहो तो कट किए बिना भी इसे खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे कट किया है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, ये कितनी आसान रेसिपी है, और कोई भी बहुत इजी वे इसे बना सकता है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। थैंक यू।